मुझे अभी तक याद है कि मैं 6x जब मैं 3x में कन्वर्ट करता ना, तो उसकी स्प्रे आप लोग उस टाइम की स्प्रे चेक करो, फोन की चेक करो गाइस। ओ भाई फुल हैकर वाली फीलिंग आती थी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। सो आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जब मेरा लेवल 72 था, जब मैं टॉप रैंकिंग में सीज़न 6 में आई थिंक, यस के सीज़न 7 में मैं 17 पे था, जो कि मैं हम FPP में रैंकिंग पुश करते थे आप लोगों को अगर बताओ, और बी सर्वर में मैं खेलता था सीज़न 7 में, तो मतलब तब मैं 17 पे होता था। लाइक मैं बहुत कोशिश करता था कि मैं टॉप पे जाऊँ, लेकिन मेरे पास डिवाइस अच्छी थी नहीं। मैं ओप्पो F9 पे खेलता था, जो कि एक एंड्रॉयड सीरीज़ है, और उस पे मैं 40 FPS खेलता कि 30 FPS मैंने मुश्किल से मतलब। और TPP में हम खेलते थे, ये FAP था हमारा रैंक होता, और TPP में हम फिर खेलते थे बाद में भूत के हम वगैरह ना। तो यहाँ पे मैं 16 पे था, अभी तक ये रिकॉर्डिंग हर चीज़ मेरे पास पड़ी है जो कि मैंने YT पे अपलोड किया। मेरा अपना क्लैन था वही IC क्लैन, हर चीज़ वही एक दौर था। तो 17 तब से लाइक यहाँ पे ये भी मुझे सब कुछ मुझे ऐसे याद है ना जैसे कल की बात हो, और मतलब इतना टाइम हो गया। उसके बाद हम गाइस शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो बेसिकली बनाने का मकसद ये है कि आज मैं थोड़े मेमोरीज लाइक शेयर कर दूँ आप लोग के साथ, क्या क्या मेमोरीज थे। तो इधर तो मेरा बस सीज़न 7 तक ही आईडी थी, सीज़न 7 चल रहा था, 5 की केडी चल रही थी उस टाइम FPP में खेल के। पार्टनर भी एक दोस्त था, ये अभी तक ये दोस्त मेरा है जो कि जस्ट फ्रेंड है, तो रियल में भी। और ये RBO का सर्वर तब होता था, इन लोगों के पास डिवाइसेस अच्छे होते थे तब। मिडिल ईस्ट ये जब आया था पहली पहली बार, तब हम FPP में स्टार्ट करते थे। यहाँ पे इतने हैकर्स होते थे ना तब, न्यू न्यू होता, पबजी का न्यू नशा था ना, सारे रैंकिंग में आते थे। एंड मुझे ये भी याद है गाइस कि जब मैंने ये कॉन्करर लगाया था, तो उसके बाद जितनी ये चेक करो रिकॉर्डिंग, वही ये सीज़न 10 वाला, इसके बाद ये मैंने सीज़न 10 वाला क्लिप डाला है। ये रहा हमारा सीज़न 10 का कॉन्करर यहाँ पे। यार ये जो मेरा भाई साथ खेलते हैं ना, तब तो वल्ला ये जो है ना वो भी नहीं थे, मतलब पहले वो उसके पास पता है कौन सा फ़ोन था। मैं पहले बहुत गंदे फ़ोन पे खेलता था सीज़न 2, मैंने F9 पे शिफ्ट हुआ, तो जो गंदा फ़ोन था ना, मतलब गंदा तो नहीं कह सकता, लाइक बहुत लो एंड तो था, उस पे वो मतलब जिस खेलते पे पे था। नहीं और खेलती थी मैं ना एक मैं दूसरे पे सेकेंड। खेलता है न्यू पे, जो F9 है, हाँ F9, ओप्पो F9। तो और अभी मतलब वो भी तब इतना फ्रोस्ट भी इतना अच्छा, मतलब ना बिल्कुल न्यू था वो भी सीखता, और मैं F9 पे खेलता था। देन उसके बाद उनको आईपैड लेके दिया, वो आईपैड उनको बिल्कुल 1 साल भी नहीं हुआ उनको आईपैड लेके दिया, उसकी गेम में बहुत इंप्रूवमेंट आई। मतलब हम फिर यहाँ पे मेरे मेरे हेल्प करने वाला कोई था भी नहीं तब से, ये भी नहीं था, ये खुद ही खेलता था। एंड ये मेरे क्लचेस गाइस चेक करो, जो मैं लाइक मैंने जितने भी क्लचेस मारे हैं, और ये शॉट गन सीज़न 7 की। उसके बाद हमारी जो आप लोगों ने पार्टनर में कुछ देखा, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो क्या था। तो आप लोग ये गेम प्ले भी इंजॉय करो मेरे साथ साथ। पता नहीं ऐसे इमोशनली फीलिंग बहुत, मतलब इमोशनल फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो मुझे क्या हो रहा है। लाइक ये पुरानी गेम प्ले ना अभी दिखा के ना कि कैसे, ओप्पो F9 की गेम प्ले सारे मैं सीज़न 10 तक खेला है। पैसे नहीं थे पहले, फिर मैंने आईपैड से मैंने 6 लिया, अपने पैसे जमा करके ना यूट्यूब वाले कुछ भी कर करके ना, मतलब 45,000 मेरे पास आ गए, 40,000, तो मैंने ये बेच के ना उसी पैसों से मैंने आईपैड भी लिया। और जैसे मैंने आईपैड मेरी 5 लिया, तो मैं सीधा टिकटॉक को चला गया, उधर से मैंने वीडियोस पोस्टिंग की। यहाँ पे TGL अल्बर्ट भाई मेरे साथ खेलते हैं, अगर आप लोग उनको जानते हो। देखो अल्बर्ट भाई भी मेरे साथ खेल रहे थे उस टाइम की बात है, रैंकिंग में जब हम होते थे तेनॉक में मेरे साथ भाई ये आते थे, अल्बर्ट भी उस टाइम मेरे साथ खेलता था, थोड़ा बहुत हम खेल लेते। और फिर ये DF वाले भी उस टाइम थे, हैवी सीन था, ये सारे पुराने जितने भी प्लेयर्स थे ना अभी तक अगर वो, तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा रिस्पेक्ट करो जितने भी, मैं एक मेरी नहीं जितने भी ओल्ड प्लेयर्स हैं। इधर तो भाई रिफ्लेक्स, ये इसको मैं रिफ्लेक्स बोलता था, लाइक ये अभी चेक किया ग्राफिक्स उस टाइम अच्छे नहीं थी, फिर FPP स्विच करके इस बंदे देखो, गेम भी दूसरों वाली भी ऐसी थी ना कि पहले सीखने वाली थी, सारे सीख रहे थे। अब तो आजकल माशाल्लाह सारे अच्छे खेलते। यहाँ पे मेरा टीममेट मारता, इधर स्प्रे चेक करो गाइस, ये चेक करना पेन दी सीरीज, देखा गाइस तब मेरी स्प्रे ये थी, ये स्प्रे चेक करना गाइस, तब की स्प्रे थी, फोन वाली थी ये। इसके बाद गाइस ये चेक करो, ये बिल्कुल ऐसे उस टाइम में मतलब ना हैवी था कंपटीशन इतना, तो कुछ कुछ लोग अच्छा खेलते थे। इधर पे मैं रिफ्लेक्स बोलता इस बार, इसको गेम ही ऐसी थी क्या करते। ये चेक कर, ये बंदा आया रियल था, बोट शूट नहीं था, लेकिन उसको गेम खेलना इतना नहीं आता था,
ये देखो टीपीपी ले रहा था। ओए ओए दोनों किए, तीसरा क्लच गाइस क्लच है, ओ क्लच। ओए यार इधर मैं क्या करूँगा बताओ, क्या करूँगा क्या करूँगा। ओ भाई यहाँ पे देखना क्या सीन होता है। ओए ओए बुलेट नहीं है, वो अल्फा मर जाता है, ये भी मेरा दोस्त था। ओ भाई हैवी सीन, कितना इंटेंस है। यहाँ पे मैं मार देता हूँ इसको, 1v3 हो गया, नाइस। है यहाँ पे तो फिर देख ये किधर देख रहा था पता है, नीचे देख रहा था इसको पता है। ये ग्राफिक्स चेक करो, उस टाइम के ग्राफिक्स नहीं थे अच्छे, फ़ोन भी लो एंड था। यहाँ पे एक बंदा नीचे से आता है आई थिंक, या हाँ ये उधर का वो लूट कर रहा होता है, देन मैं आता हूँ इसको मार देता हूँ। इसके अलावा ये सारे टीपी भी लेते हैं, न्यू न्यू प्लेयर्स होते हैं ना, सीखने वाले होते हैं। सही तबाही मचाई हुई थी हमने पता है यार, क्या ही गेम होती थी तब, ये सूट हर चीज वो। फिर हम बाद में ना मैं ये इसने सही रश किया था, और ये मेरे फ्रेम थे 4 5 6, ये देखो मेरे पास सीधे 3 फ्रेम्स है। पहले ये क्लच गाइस चेक करना, एक ये गया ठीक है, दूसरा क्लच चेक, ये 2 3 दोनों देखो 1v3 हो गया यहाँ पे मेरा पता है, पर 1v4 बल्कि उस टाइम का 1v4 गाइस। तो ये वाला पीक एंड फायर, तब मैंने पीक एंड फायर स्टार्ट कर दिया यार, यहाँ पे मैंने पीक एंड फायर स्टार्ट कर दिया गाइस सीजन 6 में ही, किसे मन वही गेम प्ले वही वही। यहाँ पे मैंने सब स्टार्ट किया, फिर इधर से ये गेम प्ले मेरी मतलब खुद की ऐसी थी, पहले ही फोन पे भी मैं ऐसे ही खेलता था यार, तो उस वजह से ना मैं जब टिकटॉक पे आया ना तो उधर आईपैड से मैंने स्टार्ट किया। इधर वाला पीक बिल्कुल वही था, यहाँ पे मेरी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई थी गेम प्ले में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी वीडियो है, लिटरली जब गेम आई थी तब की वीडियो है, 3-4 मंथ बाद वाली, लाइक चार जब गेम आने से पहले मतलब 4 महीने के बाद वाली वीडियोज़ है, जब गेम आया था मतलब सीज़न 6 हाँ सीज़न 7, लाइक एक सीज़न होता है 2 महीनों का ठीक है, तो लाइक 5 मंथ्स बाद। ये वाला मोंटेज भी अच्छा है, बस बहुत ही आला। तब गेम ये था ना कि मतलब कुछ नहीं होता ना तो बंदा सीखने को मिलता है, यहाँ पे एक बंदा टीवी पी लेता है, ये आता है मुझे देखो उनकी रिफ्लेक्स इतने अभी नहीं दे, यहाँ पे तो फिर धीरे धीरे सीख रहा हूँ गाइस चेक करो। इधर मैं इतने हम परफेक्ट हो गए थे ना, बस फर्क सिर्फ इतना है गाइस कि हम कॉम्पिटिटिव में नहीं गए, अगर हम यहाँ से कॉम्पिटिटिव में चलते ना तो शायद हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आ गए हैं, लेकिन तब हम मतलब सही लेवल पे और भी होते कॉम्पिटिटिव में। मैं कॉम्पिटिटिव में नहीं जानने की आप लोगों को पता है, मैं क्लासिक खेलता हूँ और कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन मुझे ना मतलब कॉम्पिटिटिव मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क लगता था। रिस्क क्यों, क्योंकि यार इधर इतनी मेहनत, जितनी कॉम्पिटिटिव वाले प्लेयर थे हमारी तरह बहुत पुराने प्लेयर्स भी है, लेकिन वो अभी सोशल मीडिया पर नहीं है ना, उनका कोई टैलेंट यहाँ पर शो हुआ है, हालांकि वो टैलेंटेड नहीं, वो क्यों कि वो दिन रात कॉम्पिटिटिव खेलते हैं सीज़न 2 से सालों से, लेकिन उन लोगों को रिस्क होता है, एक बैड में जाता है फाइनल तो फिर वही होता है कि कुछ नहीं होता, तो इसलिए मुझे रिस्क लगा मैंने नहीं किया। मैंने बोला यार रिस्क है यार, अगर मैं कंटेंट नहीं बनाऊंगा वीडियोज़ नहीं पूछ मैं कॉम्पिटिटिव खेलूँगा तो मैं भी शायद, ये मेरा अच्छा डिसीजन था कि मैंने कॉन्टेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया, मैंने कॉम्पिटिटिव पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे बहुत सपोर्ट मिला अल्हम्दुलिल्लाह। कॉम्पिटिटिव का क्या है, जो मेहनत करते हैं बहुत, एक तो हार्ड तो हर चीज़ होती है कॉन्करर भी हार्ड चीज़ है, जब आप लोबीज में जाते हो उसका कॉन्करर का देखो स्ट्रेस ज़्यादा होता है, कॉम्पिटिटिव का स्ट्रेस कोई है ही नहीं मैं बोलता हूँ ठीक है। कॉन्करर का ये अगर एक माइनस बंदे को चल मतलब पड़ता है ना 50 तो फिर से रिकवर करो, कॉम्पिटिटिव का यही सीन है, बस मैच ही जाके खेल लो, स्ट्रेस इतने हद तक होता है कि बस मैच हार गए या क्वालिफाई नहीं किया, बस इतने हद तक होता है स्ट्रेस, थोड़ा रिस्की भी है कॉम्पिटिटिव। लेकिन रैंकिंग का तो अलग ही पंगा है ना, मतलब अगर प्लेटफॉर्म पे खेलते हो रैंकिंग फालतू खेलते हो तब तो क्या फ़ायदा। गैस यहाँ पे जो मैंने इससे पहले जो पिक एंड फायर किया वो आप लोगों ने देखा, इधर ये प्रोन हो जाता है लास्ट रन आता है, बहुत हैवी थे यहाँ पे। तो इसके बाद जब हम चलते हैं तो इधर आई थिंक ये लास्ट में ये बोट होता है गाइस, यहाँ पे मैं बोट को मारता हूँ, लेकिन मैं वो प्रैक्टिस करता हूँ ना तो मैं सीख रहा था पहले। इधर तो हाँ ये मिस्टर ट्रैप या ये मेरा तुर्की का भाई था,
लेकिन यार आप लोगों को पता है ना, आप लोग यार आपकी बाइक को कितना गुस्सा आता है यार। ये बंदा मुझसे नाराज़ हो गया था, फिर इसने ना मुझे छोड़ दिया, मतलब मुझे छोड़ दिया इसने, इसने ना फ्रेंडशिप तोड़ दी ट्रेप भाई ने। ये बेसिकली तुर्की से था एंड उसको मैंने गुस्सा किया, मतलब काफ़ी बार किया था, लाइक दो तीन। और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था ना, लेकिन मेरी रिस्पेक्ट करता, मेरी गेम अच्छी थी ना, तो वो एज अ लीडर गेम में रिस्पेक्ट करता था। बट मैंने एक मतलब आया उस मतलब हमारी वही ना भाई यार, बच्चों वाले आ जाते, मर जाओ फिर गुस्सा करो, तो बस उस टाइम तो यही होता यार, मैं मर जाता मैं तो भाई गुस्सा ही करता ना। तो मैं उसको गुस्सा किया यार, ट्रेप भाई को, भाई क्या बोलना है, तो ट्रेप उधर मुझे अभी भी याद है, मैंने उनको गुस्सा जब किया था ना लास्ट टाइम, तो वो पिकाडो में थे, पिकाडो में हम उतरे, मैं मारा, मैंने बोला यार मैं क्यों मारा ये वो इंग्लिश में ना, वैसे ही यार गुस्सा होता है ना। तो उसी के तो साथ उसके बाद हो गई ख़त्म बस मतलब। वेल ये तो ये स्टोरी थी, ये तो ऐसी थी, ऐसी बहुत ज़्यादा स्टोरीज है गाइस। मैं मुझे ना हर एक बात याद है, क्योंकि मैंने ना बस यही खेला है, गेम भी खेले, मैंने इस पर फोकस ज़्यादा किया। ये तो आप लोगों को मतलब ऐसे ही दिखाना था, शुक्र मैंने बोला यार दिखाया था। यहाँ पे इतने अच्छे लोग भी जाते थे, जो हम अभी स्क्वाड मारेंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लेयर जाते थे हर वक्त, क्योंकि 200 MS आती थी, हमारा अपना सर्वर था ही नहीं। और गैस अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आ गई ना, पुरानी वीडियो है, अगर कुछ भी पसंद आया तो यार गैस लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, सब फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना कि रियाज ने पहले किस पे खेलता था, कब से खेल रहा हूँ, और लाइक हम पहले मैं मोबाइल पे खेल के, और कैसी सारी गेम प्ले जितनी भी मैंने रिकॉर्ड की थी, बस फिलहाल वही डाला है गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विद फ्रेंड जो जो भी प्यार करने वाले हैं, और जो जो आप हो यार, तो शेयर कर दें। ये वाला अकाउंट अभी भी मेरे पार्टनर में है, जिस पर मैं खेल रहा हूँ, जो मेरा अपना ऑफिशियल था। ये तो मैंने दूसरा इसलिए लिया क्योंकि आप लोग पता है प्रोफेशनल दुनिया बन गई, क्या सारे प्रोफेशनल हो गए, अकाउंट अच्छा हो तभी लोग देखते हैं, सिंपल सी बात है यार, मैं बोलूँगा। और ये वी एन तब मैंने दूसरा अच्छा वाला ले लिया, ग्लेशियर वाला, तो क्या कर सकते, ये भी चल रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ गा।